आप देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के लिए किया है वो कभी कोई भुला नहीं सकता। इनकी प्रेरणा से ही जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी, और आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में एक लोकप्रिय पार्टी बनी हुई है। देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की प्रेरणा से ही जम्मू कश्मीर में एक से बढ़कर एक कदम जो है वो उठाए गए हैं। आज पूरा देश पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को याद कर रहा है और उनकी जो सोच थी उस सोच को आगे बढ़ा रहा है और आगे लिए जा रहा है। स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा नमन कर रहा है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी वो जांबाज वीर योद्धा थे जिन्होंने 1947 के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में संघर्ष किया और जो प्रजा परिषद के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ 1953 में, एक विधान एक प्रधान एक निशान, जिसमें भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी शामिल थे, ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को सभी शत शत नमन और कोटि कोटि वंदन करते हैं। वो भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक, उन्होंने देश दुश्मन ताकतों से डट के मुकाबला किया और अपनी जान की बाजी लगाकर जम्मू कश्मीर के कोने कोने में तिरंगा झंडा फहराने वाले पंडित प्रेमनाथ डोगरा थे। पूरे जम्मू कश्मीर वासी आज उनकी जयंती के दिन, उनके जन्म दिवस के दिन उन्हें नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं, ये तिरंगा झंडा हम हमेशा बुलंद रखेंगे, तिरंगे झंडे को शान से फहराएंगे और हमेशा भारत माता को और राष्ट्रवादी शक्तियों को यहाँ मजबूत करेंगे।